हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुरुजी इंस्टीट्यूट। और आज हम बात करेंगे 8085 माइक्रो प्रोसेसर में एड्रेसिंग मोड्स की। सो एड्रेसिंग मोड्स इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो इसमें जब हम एड्रेसिंग मोड्स की बात करेंगे तो उससे पहले हमें ये देखना है कि क्या होता है एक इंस्ट्रक्शन। व्हाट इज़ एन इंस्ट्रक्शन? तो इंस्ट्रक्शन क्या होता है? इंस्ट्रक्शन के थ्रू हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि उसको क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इंस्ट्रक्शन क्या स्पेसिफाई करता है? ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड। तो कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को किसी न किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करवाता है। अब अगेन जब बात आती है ऑपरेशन की, तो ऑपरेशन जिस पर भी परफॉर्म होता है उसको बोलते हैं ऑपरेंड्स। यदि हम मैथ्स के कंटेक्स्ट में बात करें और हम ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं ऐड, ठीक, तो यदि हमने डाला है एक्स इज इक्वल्स टू वाई प्लस जेड, तो यहाँ क्या हो रहा है? वाई और जेड पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। कौन सा? एडिशन का ऑपरेशन। तो ये जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है इस सिंबल को बोलेंगे ऑपरेटर, और वाई और जेड जो हैं इन दोनों को बोलेंगे ऑपरेंड्स। क्लियर? तो जब हम एड्रेसिंग मोड्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने बात की इंस्ट्रक्शन की, कि इंस्ट्रक्शन होता है जो कंप्यूटर को स्पेसिफाई करता है, प्रोसेसर को स्पेसिफाई करता है कि उसको क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और प्रोसेसर को जब भी कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं तो उसके लिए उसको ज़रूरत होती है ऑपरेंड्स की, जिनके ऊपर वो कुछ पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करवाएगा। तो यदि अब हम बात करें ऑपरेंड्स की, तो ऑपरेंड्स यानी कि वो वैल्यूज, वो डेटा जिसके ऊपर आप ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हो। तो अब ये ऑपरेंड्स आप किस तरह से प्रोवाइड करवा रहे हो किसी भी इंस्ट्रक्शन को, उसको, उस टेक्निक को बोलते हैं एड्रेसिंग मोड्स। सो व्हाट इज एड्रेसिंग मोड? द टेक्निक टू स्पेसिफाई, इट इज एक्चुअली द टेक्निक विच स्पेसिफाइज द ऑपरेंड। मतलब ऑपरेंड उसको कहाँ मिलेगा किसी इंस्ट्रक्शन को, उस टेक्निक को कहा जाता है एड्रेसिंग मोड। तो ऑपरेंड आपके कहाँ कहाँ हो सकते हैं यदि हम बात करें? तो ऑपरेंड्स यानी क्या? डेटा, अगेन ऑपरेंड्स मतलब डेटा जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होगा, वो कहाँ रिसाइड कर सकते हैं? कैन रिसाइड कहाँ कहाँ रह सकते हैं? या तो हम उसको इंस्ट्रक्शन के अंदर ही दे दें, विद इन इंस्ट्रक्शन, किसी इंस्ट्रक्शन के अंदर ही आपने क्या करवा दिया उसको, डेटा भी प्रोवाइड करवा दिया, या फिर आपने एक्यूमलेटर के अंदर कोई डेटा रखा हुआ है उसको एक ऑपरेंड बता दिया कि हमारा एक ऑपरेंड जो है वो कहाँ पर है, एक्यूमलेटर में। मतलब जैसे मान लो यदि आपने एक्यूमलेटर के कंटेंट को ऐड करवाया किसी रजिस्टर के साथ में, तो एक कंटेंट जो एक ऑपरेंड है आपका वो एक्यूमलेटर में आ गया। या फिर आपकी जो डाटा है वो कहाँ हो सकता है? और जनरल पर्पस रजिस्टर्स के अंदर। और जनरल पर्पस रजिस्टर की बात जब हम 8085 के कंटेक्स्ट में करते हैं तो 8085 में 6 जनरल पर्पस रजिस्टर हैं जो हैं बी सी डी ई एच और एल। और इन रजिस्टर्स के ऊपर मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया है, यदि आपको उसमें कोई डाउट हो रजिस्टर्स में तो आप वो वीडियो को विजिट कर सकते हैं। तो ये जो रजिस्टर्स थे ये इंडिविजुअली 8 बिट डेटा को स्टोर करते हैं, और यदि आपको 16 बिट का डेटा लेना है तो उसके लिए आपको 2 रजिस्टर्स यूज करने होंगे एज अ पेयर। और पेयरिंग में ये रजिस्टर्स ऐसे काम करते हैं, बी सी डी ई एंड एच एल। तो आपके ऑपरेंड्स हो सकते हैं इन रजिस्टर्स के अंदर भी, और या फिर लास्ट ऑप्शन बचता है हमारे पास कि आपने अपना जो डेटा है जिस पे आपको ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है वो कहाँ रिसाइड करवा रखा है, मेमोरी में। तो अब जब हम बात करेंगे इन सब की, तो आपका डेटा कहाँ रिसाइड कर रहा है उस बेसिस पे हम बताएंगे कि वो कौन सा एड्रेसिंग मोड यूज़ करवा रहा है। तो जब सबसे पहला एड्रेसिंग मोड अब हम देखेंगे वो है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होगा
कि जो आपका एड्रेस है वो इंस्ट्रक्शन के अंदर ही दिया हुआ होगा। जैसे मान लो हमने एक इंस्ट्रक्शन लिया LDA और आपने यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया एड्रेस। LDA मतलब होता है लोड एक्यूमलेटर डायरेक्टली, मतलब जो आपका एक्यूमलेटर रजिस्टर है उसके अंदर जो वैल्यू अभी नहीं है, अभी आपको वैल्यू लेकर आनी है उस एक्यूमलेटर में। कहाँ से लानी है वो वैल्यू? जो एड्रेस आपको यहाँ स्पेसिफाई किया हुआ है। तो इसको हम पिक्टोरियली देखते हैं, इसका पिक्चर इस टाइप से बन सकता है। यहाँ आपने दे दिया ऑप कोड और यहाँ आपने दे दिया एड्रेस। अब जो एड्रेस हमने यहाँ पर दिया है वो एड्रेस कहाँ रिसाइड कर रहा है? वो एड्रेस है आपका मेमोरी के अंदर। तो यदि हम मान लें ये हमारी मेमोरी है, यदि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो मेमोरी लगी हुई है वो मेमोरी है यहाँ पर, और इस मेमोरी के अलग अलग ऐसे स्लॉट्स बने हुए हैं, और हर जगह आप कितना डेटा रख पा रहे हैं अभी? अभी आप रख पा रहे हैं 8 बिट डेटा। ठीक, हमने इसकी वर्ड लेंथ मान ली 8 बिट, कि एक बार में ही 8 बिट डेटा को क्या कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है। तो अब यदि हमने यहाँ एड्रेस दिया हुआ है तो वो एड्रेस कहाँ पर होगा? यहाँ। यदि हम मान लें कि हमारी एड्रेसिंग स्टार्ट हो रही है 2000 से, तो ये हो गया आपका 2001, 2002, और अब यदि मैंने लिखा है LDA 2002, तो इसका मतलब ये जो 2002 वाली लोकेशन है, यहाँ पर जो भी डेटा रखा हुआ होगा, यदि मान लें यहाँ रखा हुआ है 22H, हियर H मतलब हेक्साडेसिमल, तो यहाँ जो वैल्यू रखी हुई है 22H, जब ये वाला इंस्ट्रक्शन जो है, ये हम एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो इसका मतलब क्या होगा? लोड एक्यूमलेटर डायरेक्टली फ्रॉम मेमोरी लोकेशन 2002। मतलब जो आपका एक्यूमलेटर नाम का रजिस्टर है, इसमें अभी जो भी वैल्यू रखी हो डजेंट मैटर, तो इसको आपको अब लोड करवाना है कहाँ से? जो मेमोरी लोकेशन आपको स्पेसिफाई की हुई है इंस्ट्रक्शन के अंदर, उस मेमोरी लोकेशन पे जो डेटा रखा हुआ है वो डेटा आपको लेके आना है, और कहाँ डालना है? इस एक्यूमलेटर रजिस्टर में। मतलब यहाँ आपके पास वैल्यू आ जाएगी 22H। तो ये है हमारा डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, जिसके अंदर हम क्या करवा रहे हैं, डायरेक्टली हम जो इंस्ट्रक्शन है उसके अंदर एड्रेस प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसका इंस्ट्रक्शन का। मतलब इसमें से हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं? फोर्थ वन। यहाँ आपने मेमोरी का एड्रेस प्रोवाइड किया है। अब यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है फर्स्ट वाले पॉइंट में और फोर्थ पॉइंट में, यहाँ हम डेटा की बात कर रहे हैं फर्स्ट पॉइंट में, कि डेटा हम इंस्ट्रक्शन में देंगे, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं कि इंस्ट्रक्शन में हम मेमोरी का एड्रेस प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो वही एड्रेस हमने दिया हुआ है यहाँ पर, और उस एड्रेस पे जा करके जो आपका प्रोसेसर है उसने वहाँ से वैल्यू फेच करी है, और वो वैल्यू किसको लोड करवाई है उसने? एक्यूमलेटर रजिस्टर में। तो ये है हमारा डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और आपको यदि इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप बिल्कुल कमेंट्स में पूछ सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स, आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करते रहिए, ताकि उससे मोटिवेशन मिलती है, फिर मैं और वीडियोस बनाऊँ उस पर। थैंक यू गाइस।